उप मुख्यमंत्री ने की योजनाओं की समीक्षा। लहड़ी सराय के स्थित समरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह अतिरिक्त प्रभार वित्त व वाणिज्य कर तथा नगर विकास एवं आवास विभाग तार किशोर प्रसाद द्वारा दरभंगा जिले के राजस्व वसूली एवं नगर विकास विभाग की कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं वाणिज्य कर विभाग के अपर आयुक्त वाणिज्य कर ने बताया कि वर्तमान वर्ष में अगस्त तक 4220 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। इस प्रकार 41.9% की वृद्धि हुई है। निबंधन विभाग ने बताया कि इस वर्ष लक्ष्य के विरुद्ध 94.60% राजस्व प्राप्ति हुई है। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि दिए गए लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 118.6% वसूली हुई है। 20 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित था, अब तक 23.80 करोड़ रुपए वसूली हुई है। खनन विभाग द्वारा बताया गया कि 3,35,00,000 रुपए की वसूली की गई है, जो लक्ष्य का 87.84% है। राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी ने बताया कि 6.84 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है, जो लक्ष्य का 41% है। भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा बिहार प्रदेश की प्रदेश समिति की बैठक थी और उसके साथ साथ जो राजस्व प्रक्षेत्र के विभाग हैं उसकी आज समीक्षा भी करनी थी और उसकी समीक्षा माननीय भारत सरकार के सम्माननीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय सांसद श्री गोपाल जी तो माननीय सभी विधायकों के साथ हमने की है। और कोरोना संक्रमण के कारण जो आर्थिक गतिविधियां ठहर सी गई थी और उसके कारण कई प्रकार की कठिनाइयां हो रही थी, क्योंकि जो विकास की जो कार्य योजना है वो ठीक से हम लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली है। अब राजस्व संग्रह भी काफी बेहतर हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में हम सब पुरानी स्थिति में लौटेंगे। तो बिहार के लोगों से जो वादा है उन वादों को कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचाने में हम सफल होंगे। सर, बिहार में विकास की बात करें तो बहुत विकास हो रहा है, इसमें एक विकास तक चल रही है। यहाँ बात करें एयरपोर्ट की, बात करें तारामंडल की, सारी बातें तो हो रही है। तारामंडल में बहुत तेजी से काम चल रहा है इसमें, लेकिन एक बड़ी बात एम्स को लेकर, एम्स को लेकर बड़ा विवाद और एक छात्र संगठन यहाँ पर। देखिए, इसमें विवाद नहीं है, ये भारत सरकार के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने दरभंगा में एम्स की स्थापना हो और पूरे मिथिलांचल और उत्तर बिहार के जो हमारे रोगी हैं वो लाभान्वित हों, उसके लिए भारत सरकार ने यह कदम उठाया है और बिहार सरकार की ओर से भी संपूर्ण रूप से हम लोग सहयोग कर रहे हैं। और माननीय सांसद श्री गोपाल जी ने लगातार एम्स के स्थापना और उसके निर्माण के लिए उन्होंने लगातार प्रयास भी किया है। हमारे सभी माननीय विधायक, माननीय सांसद के साथ मिलकर इन सारी चीजों को रखा है और इसके निर्माण में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। सर, एक और अंतिम, दरभंगा में बस स्टैंड का मामला बहुत बड़ा है। हाँ, नहीं, अभी अच्छा हुआ कि आप इस बात की चर्चा कर। राजस्व विभाग के अंतर्गत दरभंगा बस स्टैंड का परिचालन हो रहा था, लेकिन नगर विकास विभाग ने निर्णय ले लिया है कि जो यह बस स्टैंड है जो राजस्व विभाग में है उसको नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानांतरित करने का निर्णय हम सबों ने लिया है। और आज की समीक्षा बैठक में जिला पदाधिकारी दरभंगा को इसके स्थानांतरण की प्रक्रिया को भी पूरा करने के लिए कहा है, जिससे कि जल्द से जल्द एक सभी सुविधाओं से युक्त एक बेहतर बस स्टैंड का निर्माण हम जल्द प्रारंभ कर सकें। सर, डीएमसीएच का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी तक नहीं तैयार हुआ है, ये सब कुछ में नहीं करता।